हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। अभी हम लोग जो है हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, और आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नाव से संबंधित प्रश्न। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। इसको हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यार हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है नाव में चढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिर आप लोग जो है देखते होंगे कि कभी कभी नाव क्या होता है, कभी जो है नाव जो है कभी शांत जल में चलता है, कभी वहां जो है क्या है वह जो है कभी बहती हुई धाराएं भी चलता है। तो उसको जो है क्या चलना पड़ता है, कभी जो है धारा के दिशा में चलना पड़ता है तो कभी जो है धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। तो फिर अब हम लोग जो है ये निकालेंगे, इसको इस आज के टॉपिक हम लोग जो ये पढ़ने वाले हैं कि धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में दोनों में जो है नाव की गति में जो है कितना अंतर होने वाला है, ये जो है हम लोग जो है आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग जो है स्कूल में कॉलेज में जो है एक सेंटेंस हमेशा अपने दोस्तों से सुने ही होंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो मतलब जो है आज के आपके लेक्चर में कुछ ऐसे ही होने वाला है, कुछ नहीं करना है हमको जो है, आपको जो है जो भी आपको नाव से संबंधित प्रश्न दिखने वाला है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर जो है निकल के सामने आ जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को जो है कुछ इसके कॉन्सेप्ट। चलो मान लेते हैं कि यह जो है एक बहती हुई धारा है, एक नदी है, इसमें जो है कोई नाव चल रहा है, ठीक है, कोई नाव चल रहा है। तो मान लेते हैं यार धारा की दिशा इस दिशा में है, ठीक है, धारा की दिशा इस दिशा में है, तो हो सकता है नाव कभी इस साइड चलेगा या हो सकता है नाव को जो है इस साइड भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो धाराएं काम करती है, मतलब दो गति काम करती है, एक तो रहेगा आपका धारा की गति और दूसरा रहेगा नाव की गति, नाव की गति। चलिए इसमें जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ वैल्यूज बताता हूँ, जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो मानते जाते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं यू, यू क्या होगा, यू जो है होगा शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति। सेकंड होगा हमारे पास में वी, वी होगा हमारा धारा की गति, या जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग चाल भी बोल सकते हैं, वी होगा हमारा धारा की गति या चाल। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेटा होगा हमारे पास में एक्स, एक्स हम लोग किसको मानेंगे, एक्स मानेंगे हम लोग जो है धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में नाव की गति। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में वाय, वाय हम लोग किसको मानते हैं, वाय मानते हैं धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति। बस ये चार चीजें हमको जो है क्या करना रहता है, चार में से कोई भी चीजें जो है आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा और बाकी डेटा जो है हमको क्या करना पड़ता है, एक डेटा जो है हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यू, यू यू का मतलब निकालते हैं हम लोग शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में नाव की गति क्या होती है, 1/2x + y, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 1/2 धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति। दूसरा हम लोग निकालते हैं v की वैल्यू, v का वैल्यू क्या करेंगे, v का वैल्यू करेंगे 1/2x - y। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। बस दोस्तों आप लोग जो है फॉर्मूला जो है नोट डाउन करते जाइए, फॉर्मूला आप लोग लास्ट में पुट करेंगे डायरेक्ट आपके पास में आंसर जो है इस टॉपिक का आने ही वाला है। तीसरा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में x के लिए, मतलब जो है हमको क्या निकालना है, धारा के अनुकूल नाव की गति। तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या हो जाएगी, नाव की गति प्लस धारा की गति, दोनों से हमारा क्या निकल जाएगा,
यहां से आपका जो है उत्तर निकल जाएगा यू प्लस बी, बस कर दीजिए आपका आंसर निकल गया, ठीक है। और चौथा हमको क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालना है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति, तो क्या होगा, ये जो है एक दूसरे को अपोज कर रहा है, धारा की गति सॉरी नाव की गति और धारा की गति एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब हमको क्या करना है, माइनस कर देना है यू माइनस बी, यहां से आपका आंसर जो है निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है देखते हैं जिसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें कि आपको दिया हुआ है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम लोग क्या मानते थे, एक्स मानते थे, और धारा के विपरीत दिशा में क्या मानते थे, वाई मानते थे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आपको कि पहला जो है कितना है, पहला आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटे है, और उसके बाद फिर y की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, धारा का वेग क्या है, धारा का वेग मतलब आपको किसकी वैल्यू पूछा है, वो v की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आपको पता है v का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला जब डिस्कस किए थे उसमें देखे थे v का वैल्यू हम लोग क्या निकालते थे, 1/2 x माइनस वाई। आपका आंसर जो है डायरेक्ट यहाँ से आ गया, मैं पहले ही बोला था आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बस हमको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर तुरंत आने वाला है, क्या हो जाएगा, 1/2 x का वैल्यू 21 माइनस 9, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 21 माइनस 9 हो जाएगा 12, तो 12/2 आंसर कितना आ गया आपके पास में, 6 किलोमीटर पर आर, डायरेक्ट आंसर आया आपके पास में। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एक तैराक धारा की दिशा में, सेम क्वेश्चन है धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, बस नाव की जगह तैराक है तो उससे जो है हमको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो धारा की दिशा में एक्स और धारा की विपरीत दिशा में वाई, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आगे देखिए एवं 14 किलोमीटर प्रति घंटे, एवं 14 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आगे आपको क्या दिया हुआ है, स्थिर जल में इसकी चाल क्या होगी, तो स्थिर जल में इसकी चाल हम लोग क्या लेते थे, U लेते थे, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में V लेते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉरी धारा की गति हम लोग लेते थे V, अब ये स्थिर जल में इसकी चाल पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यार आपके पास में, क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई। तो यहां से आपका आंसर जो है सीधा सीधा आने वाला है, तो फिर से पुट हो गया x की वैल्यू 6 प्लस 14, तो 6 प्लस 14 कितना हो जाता है 20, ठीक है। तो यहां से आपके पास में आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, बस यहां पे भी हम लोग बस वैल्यू पुट किया आपका आंसर आ गया। चलिए दोनों क्वेश्चन आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको दिया हुआ है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम लोग क्या लेते थे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम लोग लेते थे y, ठीक है। तो y तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आर। अब उसके बाद फिर देखिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वह जो है आपको u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यह दिया है आपको 4 किलोमीटर पर आर। अब आपको निकालना किसमें, किसका है, धारा का वेग, ठीक है, धारा का वेग निकालना है आपको। तो धारा का वेग हम लोग क्या लेते थे, धारा का वेग हम लोग लेते थे v, ठीक है। तो v का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए अब हम लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो है आपको कोई भी दो वैल्यू दिए रहेगा, और दो वैल्यू दिए रहेगा हमको क्या निकालना है, तीसरा वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको किन तीनों में रिलेशन बताना है, u v और y में, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग y का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फिर y का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, y इज इक्वल टू यू माइनस वी, ठीक है। y का वैल्यू हमको पता है 2, ठीक है, और u का वैल्यू हमको पता है 4, और उसके बाद फिर अब हमको निकालना है माइनस v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आर।
हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिया हुआ है एक नाविक का धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग को हम लोग क्या लेते थे, अनुकूल दिशा में एक्स लेते थे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आर आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है, तथा धारा का वेग, धारा का वेग मतलब जो है आपको क्या दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आर। आगे आपको निकालना क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होता था, ये होता था आपका y, ठीक है। अब आपको x दिया है, y दिया है, तो फिर अब आपको जो है किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v का फॉर्मूला आपको जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। x, v और y तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है 1/2 x माइनस y, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। चलिए तो यहाँ पे आपको पता है 1.5 इज इक्वल टू 1/2 और x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 15 माइनस y का वैल्यू निकालना है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 15 माइनस y, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आर, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या किया है, इसमें भी हम लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर निकल के सामने आ गया है। चलिए दोस्तों ये फॉर्मूला, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जिसमें कि आपको दिया हुआ है एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। धारा की दिशा में मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कैसे दिया हुआ है, वह जो है 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो उसका जो स्पीड होगी, उसकी जो चाल होगी वो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 36/6, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आएगा, 6 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको क्या दिया हुआ है, तथा 8 घंटे में 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में कितना है, 6 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में मतलब आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। y की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 40/8, तो यहां से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आर। आगे आपको क्या निकालना है, तैराक की शांत जल में गति, तो तैराक की शांत जल में गति उसको हम लोग क्या मानते हैं, u मानते हैं, ठीक है। और u के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x + y, मतलब x प्लस वाई बराबर 6 + 11, तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 11, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या किए, बस हम लोग जो है बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किए, ठीक है, बस फॉर्मूला पुट किया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और थोड़ा सा इसमें हमको ऐसे लग रहा है, देखिए किसने यार फॉर्मूला पुट करने से हमारे पास आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या करना है हमको जो है, अब इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, सेम है क्वेश्चन आपका, आपका आंसर आने ही वाला है, कहीं नहीं जाएगा। देखिए आपको बोला है एक नाव प्रवाह के विपरीत दिशा बिंदु P से Q तक, चलो मतलब ये है आपका बिंदु P है और ये आपका बिंदु Q है। अब प्रवाह के विपरीत दिशा में बोल रहा है, मतलब जो धारा की प्रवाह होगी वो क्या होगी, Q से P होगी, धारा की प्रवाह Q से P, तभी तो वहां P से Q जो है क्या हो रहा है, उसका विपरीत दिशा बोल रहा है, ठीक है। तथा Q से P तक 3 घंटे में, एक बार वह जो है यहां से जाता है और दूसरे बार फिर से यहां तक वापस आता है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है, उसको टोटल टाइम लगता है 3 घंटे। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, यदि स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति मतलब आपको बोला गया है u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर पर आर। और आगे देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, तथा धारा की गति मतलब आपको दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आपको क्या निकालना है, और तो p और q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोग जो है दूरी वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो दूरी वाला क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, दूरी वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए थे इसके जस्ट पहले टॉपिक में, ट्रेन में, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये था हमारा एक बेसिक फॉर्मूला। और जब क्या होता है, जब ये जो आपका कोई भी ट्रेन है या फिर कोई भी नाव है बिंदु पी से क्यू तक जाता है, ठीक है, और क्या होता है क्यू से पी तक फिर से वापस आता है, मतलब क्या है उसका जब डिस्टेंस सेम रहता है, जब डिस्टेंस सेम रहता था तो हम लोग जो है औसत चाल के लिए क्या निकालना था, क्योंकि हमको यहाँ पे भी क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमको जो है इसका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, औसत चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था 2xy/x + y, सेम फॉर्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है u प्लस v, मतलब कितना हो जाएगा 12, 9 + 3 = 12, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा u माइनस v, 9 - 3, कितना आ जाएगा आपके पास में 6, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप लोग जो है इसका औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या होगा इसका, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वह जो है टोटल कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2xy, ठीक है, तो 2 गुणा x की वैल्यू 12 गुणा 6 और x प्लस y बराबर 12 + 6 = 18, तो यहां से ये कट जाएगा 6 से एक बार, और ये आपका 3 बार, ये 1 बार, और ये 4 बार, तो यहां से आपका आ गया औसत चाल 8 km/h। रुकिए जरा, अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी तक हमने कैलकुलेट किया है औसत चाल, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग जो है दूरी के लिए क्या करेंगे, देखिए उसको जो है ट्रेवल करने में टोटल कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो वहां टोटल कितना दूरी तय करता है, 8 × 3, लेकिन वहां एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, ठीक है, मतलब एक ही डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो 2 बार ट्रेवल कर रहा है, मतलब मैं क्या करूंगा इसमें 8 × 3/2, ये समझ आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर तय कर रहा है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, ठीक है, तो फिर 3 घंटे में 8 × 3 किलोमीटर, और एक बार यहाँ जा रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिए हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर है 12 किलोमीटर, ठीक है, यह जो है डिस्टेंस होगा बिंदु पी से लेके क्यू तक का। चलिए ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, अब हम लोग देखते हैं अपना आगे का अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है लगभग हमारा सेम वैसे ही है जैसे हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर/घंटे की गति से बढ़ रहा है। चलिए देख लीजिए, ये है आपका उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उत्तर की दिशा में 25 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से बढ़ रही है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, और उस दिशा में पानी का वेग 60 डिग्री पूर्व दिशा में। अब देखिए, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन पे, इसकी विपरीत दिशा में क्या आ रहा है, पानी का वेग आ रहा है, और वहां जो है किस तरफ है, पूर्व की दिशा में 60 डिग्री, पूर्व की दिशा में 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का कोण कहां से बनाएगा, ये यहां से बनाएगा, ठीक है, 60 डिग्री का कोण यहां से बनाएगा। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बोट की परिणामी वेग कितनी होगी, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो है बोट की स्पीड जो दिया हुआ है, बोट का स्पीड दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको नाव का चाल दिया हुआ है, तो नाव का चाल आपको दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे उत्तर दिशा से 25 किलोमीटर में गति से बढ़ रहा है करके बोल रहा है, मतलब आपको दिया हुआ है वह जो है यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 25 किलोमीटर/h, ठीक है, और यह जो है उसके विपरीत दिशा में है, धारा जो है क्या है उसके विपरीत दिशा में है, मतलब आपको जो है v का वैल्यू दिया। अब v का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यह जो है आपका कौन सा थीटा होगा, यह आपका साइन थीटा हो जाएगा और यह जो है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर/h दिया होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 cos θ, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 cos 60,
और आप लोग देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, बोट की परिणामी वेग, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल को क्या निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 10 cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपके पास में आंसर कितने आने वाला है, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलिए अब है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका वो भी सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, आपको 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 मिनट में जल का बहाव कितना होगा। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वहां से जो है कितना जल निकलेगा, तो 1 मिनट में कितना जल निकलेगा उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब उसको जो है मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम किसका यूनिट होता है, वह होता है आपका वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन का, और आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको जो है क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है गहराई दिया हुआ है, मतलब आपको जो है वह ऊंचाई दिया है, तो क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर दिया है। उसके बाद फिर देखिए 40 किलोमीटर चौड़ाई, चौड़ाई भी आपको क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, और नदी का वेग दे दिया गया है, नदी का वेग कितना है आपको जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, मतलब जितना वेग होगा वही उसका क्या होगा, उसी को हम लोग उसकी लंबाई मान लेते हैं, तो क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सब चीज क्या है यार आपका, सब चीज जो है आपका मीटर में है। ठीक है, सब चीज आपका किसमें है, मीटर में, तो इसको भी हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लें, इसको भी हम लोग जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये आपका देखिए लास्ट में 1 मिनट है पूछा है ना, तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1000/60 गुना कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है, यहां से आपका आंसर जो है आ जाएगा, ये आपका 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका 2 और 3 और ये 6, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 4000 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग जो है पूरा आज का जो लेक्चर जो है आप लोग लास्ट तक देखे, तो आई होप ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बिल्कुल आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल सीजी कॉम्पिटिशन है उसको जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, तो ये वीडियो जो है आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसको जो है सबसे पहले जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।